हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सोनी का कार वाला एम्पलीफायर है, इसमें ब्लूटूथ किट कैसे इंस्टॉल करें और कोई भी ब्लूटूथ किट कैसे लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो ट्रिक है कैसे काम करती है इससे सोनी का कैसेट वाले एम्पलीफायर में, और इसमें ब्लूटूथ मतलब USB पॉइंट भी दिया हुआ नहीं, जिससे कि एक ब्लूटूथ डिवाइस को भी लगा के आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आज इस वीडियो में करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कैसेट वाली जो फंक्शन है इसको रिमूव कर देंगे। अगर आपको कैसेट फंक्शन चलानी है तो ब्लूटूथ किट को अंदर में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं FM वाला फंक्शन को हैक करेंगे फ्रेंड। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी सोनी का एम्पलीफायर है और इसमें इजीली आप अपना जो है कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये एम्पलीफायर अगर सेम मॉडल और कोई भी मॉडल हो, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप कोशिश करें तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं फ्रेंड। अगर हमारे पास और कोई एम्पलीफायर हमारे पास नहीं है फिलहाल, इसी एम्पलीफायर का भी बात कर रहा हूँ और इसको मैंने कंप्लीट बना के आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, हमारा जो है ओपन हो चुका है और मैंने ओपन कर लिया हूँ। और ये सोनी का एम्पलीफायर में बहुत सारा धूल जम गया है, इसको साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, मैंने इसको एक मेरा कस्टमर है जो कस्टमर दिया है, उसको ब्लूटूथ डिवाइस वाली इंस्टॉल चाहिए था, जिसे मेमोरी कार्ड और ब्लूटूथ और वही सब लग जाए, जिससे कि हमारा जो है एम्पलीफायर पहले नया का जैसा हो जाए, जिससे कि हम अपना गाना को कोई भी मनपसंद गाना सुन पाएँ फ्रेंड, और FM भी इजीली चला पाएँ। तो FM तो पहले था ही, लेकिन तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ब्लूटूथ किट को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा जो है USB किट यहाँ पे लग चुका है, और USB किट बोल रहे हैं USB सॉकेट। और चलिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे FM में सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे FM का आवाज़ भी आपको सुनाई देगा। साउंड मैं बढ़ाता हूँ और आपको इजीली साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे FM को हैक करूँगा, FM वाली फंक्शन को, जहाँ से कि यहाँ पे ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करेंगे और उसी में ही साउंड का जो इनपुट है मैं दूंगा और उसी से मुझे यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में साउंड देखने को मिलेगा। ये जो ब्लूटूथ FM वाली किट है, इस सर्किट में ही सारा फंक्शन इसका इंस्टॉल किया हुआ फ्रेंड। और यहाँ से मैं इस ट्रिक को आपको बताते हैं, जहाँ से मैंने इस एम्पलीफायर को हैक किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी पॉइंट FM वाली, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपके एम्पलीफायर में भी ये ला फंक्शन हो गए ही। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ग्राउंड लेफ्ट एंड राइट, L और R करके कुछ लिखा हुआ, लेफ्ट एंड राइट LR, वही दो पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो आपका FM बजना बंद हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पे आपका जो है इनपुट देके अब अपना ब्लूटूथ किट का साउंड को ले सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं ये तरीका क्या है करने का, पहले आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। पहले इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे, जो भी पॉइंट है उसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे जो है इस पॉइंट में पहले चेक करके देखेंगे FM की आवाज़ जो हमारा आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमारा जो है ट्रिक है सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो ट्रिक है काम कर रहा है। यहाँ पे किसी से भी साफ़ करके देख लेंगे ताकि कोई शॉर्टेज ना हो, जिससे कि FM की आवाज़ आने लगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर सारी चीज़ को देख लिया हूँ, कोई शॉर्टेज नहीं है, और मैं आपको एक बार और चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके आखिर में ये काम कर रही है नहीं, 100% ये वर्क करेगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे FM में सिलेक्शन कर लेता हूँ, साउंड को बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे हाथ रखेंगे जहाँ पे कनेक्शन को रिमूव किया, और देखिए फ्रेंड, जो हाथ रखने से होमिंग का आवाज़ आ रही है, जिससे कि 100% श्योर हो जाते हैं कि यहाँ से हमारा जो आवाज़ कैच करेगी फ्रेंड उसी पॉइंट में जोड़ने से। तो चलिए, हमारे पास एक छोटा सा ब्लूटूथ किट पैनल है
जिसको इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड, बहुत ही मस्त। इसी डायग्राम के अनुसार यहाँ पे आयर सेंसर का और उसका और बटम का और वॉल्यूम इनपुट का कनेक्शन करेंगे। वॉल्यूम इनपुट का इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आयर सेंसर और USB का कनेक्शन समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो डायग्राम को आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आयर सेंसर का 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक में 3 3 वोल्ट है और एक में आयर रिसीव का वोल्टेज है और एक ग्राउंड है। तो आयर सेंसर का भी डायग्राम मैं दे दूंगा। और देखिए फ्रेंड, डायग्राम को तो गोली मारिए। आयर सेंसर का जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड में जाएगा, और आयर सेंसर का जो थर्ड वाली पिन है वो 5 वोल्ट में जाएगा, जो कि ये थर्ड वाली पिन है 5 वोल्ट में। और जो पहला नंबर पिन है आयर रिसीव करके लिखा होगा आयर करके, उसमें उस पॉइंट में इसको जोड़ दीजिएगा। वहाँ से कि आपका जो है इजीली ये सेंसर काम करने लगेगा। रिमोट भी इसमें काम करेगा, जो कि रिमोट इजीली यहाँ पे साउंड को बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ पे बटन वाली फंक्शन, बटन नहीं लगाने से भी चलेगा फ्रेंड, बट बटन भी लगाना चाहते हैं तो बटन भी इंस्टॉल कर पाएंगे इजीली, ग्राउंड को लेके और सारे बटन को चेक करके एक एक करके। और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट करके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक ग्राउंड है फ्रेंड, इसी लेफ्ट राइट को पॉइंट को वहाँ पर जोड़नी है। और यहाँ पे USB सॉकेट को इजीली चेंज कर करके जोड़ने, लाइन बाय लाइन आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कनेक्शन जोड़ने में, जो कि डायग्राम में दिया हुआ सेम उसी तरीके से कर लेना और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। ये USB सॉकेट है, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को सीरियल बाय सीरियल जोड़ना है, और USB लगा के देखना नहीं काम कर रहा तो सीरियल बाय उसको चेंज करके फिर से करना। तो चलिए, हमारा पास एक 7805 है, ये इसका कनेक्शन पहला नंबर पिन में 12 वोल्ट इन करेगी और सेकेंड थर्ड नंबर पिन में 5 वोल्ट आउट करेगी, और बीच वाला पिन ग्राउंड है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे इस एम्पलीफायर में कहाँ पे आ रही। इस वाली कैपेसिटर में आपको 12 वोल्ट मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इस वाले कैपेसिटर में चेक करते हैं 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है, और इसी 12 वोल्ट को मैं यहाँ पे हैक करूँगा, वोल्ट लेंगे, उसके बाद 12 वोल्ट को उस ट्रांजिस्टर 7805 रेगुलेटर IC में देंगे और उससे मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगी इजिली फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन हो चुका है, और फ्रेंड हमारा जो है ये सारा चीज मैंने कर लिया फ्रेंड। और ये फ्रेंड हमारा ब्लूटूथ किट का जो साउंड आउटपुट है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए इस ऑडियो आउटपुट का भी पार कर लेते हैं और उसको भी पीछे तरफ लगा देते हैं फ्रेंड। तो चलिए इजीली इसको पास करते हैं, और 12 वोल्ट का तार मैंने निकाल लिया हूँ और इसको भी पीछे तरफ निकाल के इसका भी कनेक्शन जोड़ देते हैं फ्रेंड। तो जहाँ पे मैंने तार को रिमूव करने का बारे में बताया था सेम वहीं पे इसको जोड़ना है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इजीली साफ साफ दिख रहा होगा लेफ्ट एंड राइट, जहाँ पे एल और आर लिखा हुआ फ्रेंड, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। L1 R L R उसी पॉइंट में जोड़नी है लेफ्ट एंड राइट। तो ग्राउंड को ग्राउंड में, जो कि इस पॉइंट में मैं जोड़ रहा हूँ ग्राउंड टू। देखिए मोटी मोटी ट्रैक है जो है वो ग्राउंड है, और जैसे कि बैटरी वाला माइनस पॉइंट ही ग्राउंड होता है, तो उसी पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ लेफ्ट एंड राइट में इजिली अच्छी तरीके से जोड़िएगा। सोल्डिंग आयरन भी आपका अच्छा वाला होना चाहिए, मेरा तो मोटी वाली सोल्डिंग आयरन है, मैं तो काम के लिए एक्सपर्ट हो चुका हूँ तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इजीली सिंपल सा 2 पॉइंट को जोड़ लेते हैं, और हमारा जो है ऑडियो आउटपुट यहाँ से हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए, 1 पॉइंट जुड़ गया और 1 पॉइंट को और जोड़ना बाकी है फ्रेंड, और इस वाले पॉइंट को भी जोड़ लेते हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, ए भी पॉइंट हमारा जो है जुड़ चुका है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कर लिया हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है कनेक्शन जुड़ चुका है, और इजीली अब इसको चेक करके भी आपको दिखाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है लगभग सारे कनेक्शन हो चुका है और मैं यहाँ पे एक 3805 जो है जिसके बारे में डायग्राम के बात किया, जिसमें 12 वोल्ट इनपुट करेंगे और 5 वोल्ट मिलेगी। तो मैंने इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपका जो है सर्किट बोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को 5 वोल्ट मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, 5 वोल्ट आ रही है कि नहीं, उसके बाद ही जो है आपको कनेक्शन करनी है। तो चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट करते हैं। पहला बीच वाले पिन में ग्राउंड जोड़ दिया और पहला नंबर पिन में 12 वोल्ट का पॉइंट जोड़ दिया हो, और आउट वाले पिन में ब्लूटूथ वाली किट का पॉइंट को लगा लेंगे। यहाँ पे ब्लूटूथ किट में जो है चेक कर लेंगे कनेक्शन, किस में 5 वोल्ट जा रही है और किस में ग्राउंड जा रही है। गलत अगर लगा देते हैं तो आपका जो ब्लूटूथ किट है वो डेड हो सकती है, तो इस को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। तो चलिए दोनों पॉइंट को ग्राउंड, एक तो ग्राउंड में कनेक्ट कर लेते हैं और 5 वोल्ट वाला पॉइंट को 5 वोल्ट के साथ 3805 में जहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगी उस वाली पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो है फ्रेंड कनेक्शन हो चुका है, और चलिए इसको मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं फ्रेंड, उसके बाद आपको सारे चीज़ करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लगा लेते हैं एक नट बोल्ट के थ्रू से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई हिस्टिंग प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा आप इसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे USB सॉकेट का यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। पहला पॉइंट में सीरियल बाय सीरियल कनेक्शन करते जाएंगे, सीरियल बाय सीरियल लाइन जो है USB में दिया हुआ, सेम उसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल USB सॉकेट का कनेक्शन करनी है। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मेन है माइनस प्लस, माइनस प्लस अगर मैच कर गया तो डाटा भी मैच कर जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमने कनेक्शन कर लिया हूँ, कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड, और यह हमारा फ्रेंड कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। और इसको ग्लू गम की मदद से इसको चिपका देंगे फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे सब कनेक्शन हो चुका है, एक आयर सेंसर का कनेक्शन बचा है फ्रेंड, इसको यहाँ पे लगाएंगे और आयर सेंसर का भी कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आयर सेंसर का जो कनेक्शन बताया था सेम उसी तरीके से कनेक्शन करना फ्रेंड। तो थर्ड नंबर पिन में हम 5 वोल्ट देंगे और सेकंड वाला पिन में ग्राउंड देंगे और फर्स्ट वाला पिन में आउटपुट आयर सेंसर का लेंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है और इसका जो है ब्लूटूथ किट के साथ कनेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ, मतलब 5 वोल्ट में एक तो पहला थर्ड वाली पॉइंट को 5 वोल्ट में कनेक्ट करते हैं, और 3 वोल्ट में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आर सेंसर के लिए 3 वोल्ट काफ़ी अच्छा है। और ग्राउंड वाले पॉइंट को ग्राउंड में और आयर रिसीव वाले पॉइंट में आयर रिसीव का पॉइंट कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड, जो कि फर्स्ट नंबर वाली पिन है फ्रेंड इस वाले आयर सेंसर का। अगर बड़े वाले आयर सेंसर है तो उसका कनेक्शन अलग हो जाता है फ्रेंड, तो उस चीज़ का भी गौर रखिएगा फ्रेंड। बट इसमें जो सेंसर है छोटे वाले दिया रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें जो कनेक्शन मैं बताया हूँ सेम उसी तरीके से कनेक्शन आपका जो है काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है और एक पॉइंट बच गया, जो कि चलिए फ्रेंड हमारा जो एक कनेक्शन बच गया इसको भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ये भी हमारा जो है कनेक्शन आयर रिसीव का है पॉइंट, तो आयर रिसीव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड, जिससे कि आयर सेंसर का जो भी डाटा है वो रिसीव होगी। तो चलिए फ्रेंड ये भी कनेक्शन हो चुका है और सारा चीज़ को इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड, और चेक भी करके आपको दिखाएंगे, जिस जो कि 100% आपका काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड ग्लू गम की मदद से इसको चिपका लेते हैं फ्रेंड, और हमारा जो है चिपका लिया हूँ फ्रेंड, और सारा चीज़ को सेटअप करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है सेटअप,
और इसके ढक्कन को लगा लेते हैं। बहुत ही मस्त क्वालिटी, और फ्रेंड मैं इसको सेल भी कर रहा हूँ। फ्रेंड मेरे पास अवेलेबल है, बट अगर किसी फ्रेंड को लेना है तो वीडियो को देख रहे हैं, अगर लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें। अगर अवेलेबल नहीं हो, बिक गया होगा तो फिर आपको नहीं मिल सकता है, बट अभी जो वीडियो है आज डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको चांस में ये एम्पलीफायर मिल जाए। इसका जो प्राइस है वो आपको व्हाट्सएप में ही पता चलेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। सोनी का एम्पलीफायर है और आप समझ नहीं सकते कितना मस्त एम्पलीफायर हो सकता है। 4 to 8 इंच का स्पीकर बजेगी, 50-50 वाट का, या उससे भी ज़्यादा भी आप बजा सकते हैं फ्रेंड, वैसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन कार के लिए 4 स्पीकर बजाने वाला सिस्टम ये आपको काम कर जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया हूँ, और चलिए मैं आपको, चलिए फ्रेंड हमारा जो है सारा सेटअप हो चुका है, और मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। बहुत ही मस्त क्वालिटी में हमने इसको सेटअप कर लिया हूँ फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड FM में सिलेक्शन कर लिया हूँ, और इसके बाद जो है हमारा काम करेगा फ्रेंड। तो FM को FM में रहने देंगे, कोई सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पे बजाएंगे। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से नया वीडियो और इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड। तो अभी इस वीडियो को पूरा